दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जैसे YouTube पे कितना वीडियो अपलोड करें, आपको कौन सा सही टाइम है आपको वीडियो अपलोड करने का, और सेकंड ये है कि जब आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वक्त आपको किस किस चीज़ का आपको ध्यान देना है ताकि आपकी जो वीडियो रैंक कर जाए, आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में आ जाए। तो शुरू करने से वीडियो पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं स्पेशली पीएफ के बारे में, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। अगर आपको ये सब चीज़ की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। तो मैं आपको पहले ये बताऊँगा कि आप यूट्यूब पर कितना वीडियो अपलोड करें, यानी अगर जैसे मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, आप मेरे वीडियो, आप मेरा चैनल को रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि इनफैक्ट मेरे कई से फ्रेंड है, वो एक ही वीडियो अपलोड करें और वो सोचते हैं कि इस पर व्यू आएगा, सब्सक्राइब आएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पर। आप एक दो हाँ वीकली आप करते रहिए वीडियो, जैसे आपको जितना आपको टाइम मिले फ्री टाइम में आप वीडियो जो इतना बनाइए और अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक वीडियो सोचे कि आप बना लिए, आपने प्रॉपर, आपने प्रोफेशनल, आपने एडिटिंग करे, सब प्रॉपर करे, बोले आपने सोचे कि एक वीडियो मैंने अपलोड तो कर दिया हूँ, अब मैं वेट करता हूँ कि मेरा चैनल जो है, मतलब जो उसका व्यू बढ़े वीडियो का और सब्सक्राइब बढ़े, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप जब डिफरेंट, और ये भी है कि आप जो एक ही वीडियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे डालते हैं वीडियो, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे मत डालिए, आप और जैसे ऐसा चेक कीजिए, आप पहले सर्च में आप चेक कीजिए कि ट्रेंडिंग वीडियो क्या है, लोग क्या वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उस पर व्यू कितने आ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे, उसका उस वीडियो को देखिए और वीडियो में कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और एडिशनल लाइए। ऐसा नहीं कि पुराने यूट्यूबर को देख के उन्होंने जो वीडियो अपलोड किए वही आप अपलोड कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जो है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए जो आप वीडियो बनाना चाहते हैं और वो अपलोड करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे, रेगुलर आप वीडियो अपलोड करते रहे, ताकि आप अगर एक भी बंदे को अगर आपका जो है ऐसी कोई वीडियो अच्छी लग जाए तो उसका ही आपका सब्सक्राइब, आपका चैनल जो लोग देखेंगे, वीडियो देखेंगे और आपका रिव्यू भी करेंगे, ताकि आपकी पुरानी वीडियो है जो है वो भी आपके जो चैनल आपका ग्रोथ हो जाए। तो मेरे हिसाब जो है मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो रेगुलर अपडेट करते रहिए, आप रेगुलर अपलोड कीजिए आप यूट्यूब पे। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, जब आप जैसे कि यूट्यूब पे, तो आपको जो है किस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड्स यानी टैग और डिस्क्रिप्शन और आपका थंबनेल, ये तीन ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका चैनल जो है ग्रोथ होता है, आपके चैनल में काफ़ी लोग व्यू देते हैं। फर्स्ट आता है थंबनेल। जब आप वीडियो आपने पूरा बना लिया आपने, तो अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तीन चीज़ आपको करना होता है। वीडियो आपने प्रॉपर बना दिए, एडिटिंग कर दिए, वीडियो को साइड में करिए। अब आता है तीन इंपॉर्टेंट चीज़, इसका टैग आपने, यानी कि वीडियो आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मैंने वीडियो बनाया पीएफ विड्रॉवल्स के बारे में, यानी पीएफ कैसे निकालते, तो आप उसका टैग अच्छा अच्छा लाइए। ऐसा नहीं कि कुछ गलत टैग लिखी है उसमें, आप वही टैग डालें जो वीडियो के रिलेटेड, यानी जो भी वीडियो में आपने कहा है उसके ही रिलेटेड आप टैग बनाइए। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि पीएफ विड्रॉवल्स ऑनलाइन और इजी प्रोसेस टू विड्रॉ, हिंदी में लिखिए, आप प्रॉपर अच्छे से टैग लिखिए, इंग्लिश में लिखिए प्रॉपर, जो वीडियो के रिलेटेड डाले। अगर आप जो कुछ अलग डालते हैं आप, तो आपको प्रॉब्लम आएगी मोनेटाइजेशन में, तो आप इसके लिए टैग जो एकदम प्रॉपर जो डालिए आप, ताकि जो है लोग आपके सर्च लिस्ट में आपका नाम आए। सेकेंड आता है डिस्क्रिप्शन। आपने टैग लिख दिया, आप डिस्क्रिप्शन लिखे कि इन दिस वीडियो, ऐसे ऐसे लिखिए आप कि मैंने एक्सप्लेन किया हूँ इसके बारे में, पीएफ के बारे में, कि आप मैं पीएफ कैसे निकाल सकता हूँ ऑनलाइन। अब थर्ड आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी थंबनेल। आपको थंबनेल पता ही होगा, जब आप कोई भी वीडियो का सर्च लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा रहता है कि वीडियो का एक फ़ोटो रहता है, उसके अंदर पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसे कहते हैं थंबनेल। आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब कोई भी लोग, ऑडियंस आपको, जो भी पब्लिक देखेगी, सर्च करेगी, अगर आपका थंबनेल लोगों को अच्छा लगा तो आपके वीडियो पे क्लिक करके और आपका वीडियो पूरा देखेंगे। और थंबनेल जो है गलत मत बनाइए, मैं आपको यही आपको कहना चाहूँगा कि टैग, आपका डिस्क्रिप्शन, ये थंबनेल आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ताकि लोग ऐसा नहीं आप सोचे कि मेरा व्यू बढ़ेगा, मैं गलत, ये आपको मोनेटाइजेशन में इश्यू हो सकता है।
तो मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, अभी वीडियो मैंने अपलोड करना चालू किया हूँ, तो मेरा आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ऐसे थंबनेल बनाया जो वीडियो के रिलेटेड है और ऐसे मैंने टैग डाला जो वीडियो के रिलेटेड है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थंबनेल अगर आपको अच्छा बनाना है, मैं आपको एक एप्लीकेशन है उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा थंबनेल मेकर करके, आप प्ले स्टोर पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप बेहतरीन से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं और वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि वीडियो आपको रेगुलर अपडेट करना है यूट्यूब पे, एक वीडियो अपलोड करके आप मत सोचे कि आपका चैनल ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होता है। कई सर मैंने यूट्यूबर को देखा, मेरे खुद फ्रेंड लोग को देखा हूँ, उन लोगों ने एक ही वीडियो बनाए और उस पर सोचे कि चैनल ग्रोथ करेगा, लेकिन उनका चैनल ग्रोथ नहीं किया, उनको उतना ही व्यू है, उनका व्यू बढ़ा नहीं। वो सोचते हैं कि मेरा एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया, लोग देखेंगे, सब्सक्राइब। एक वीडियो से नहीं होता है, क्योंकि जब कोई एक नया जब यूट्यूबर जाता है, कोई भी एक नया बंदा आपकी वीडियो पर जाता है तो आपको रिव्यू भी करता है चैनल के, आपने पुराना वीडियो क्या बनाए। तो मेरे आप जो मैं सजेस्ट करूँगा कि वीडियो आप रेगुलर अपडेट करते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और सेकेंड आता है कि आप जो मैंने बताया कीवर्ड यानी टैग यानी डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, ये आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपका चैनल ग्रोथ कर सके और आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आए। तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।